तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हाँ तो मेरे भाई लोग, और कैसे हो? होपफुली सब बढ़िया होगे। तो दोस्तों आ चुके हैं एक और न्यू सोलो कौन कर रैंक पुशिंग वाली वीडियो से। तो दोस्तों इस तरीके से कौन कौन बंदा मरा है कैंपरों के हाथों एक बार जरूर से बता देना। अब भाई जिस तरीके से वो बंदा भाई लेटा पड़ा था ना, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि भाई वो बंदा है, और मैं उसके सामने भाई मेरा बैकपैक ऑन कर रहा था। लेकिन जिस तरीके से उस बंदे ने फिनिश किया ना भाई, -31 देखे मेरा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मूड ऑफ हो चुका था। और दोस्तों मुझे ज़रूर से बताना एक बार कि किन किन भाइयों के साथ में ऐसा हो चुका है। अब दोस्तों प्लेन पाथ था यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर और अपन आ चुके थे इवेंट पे। अब बंदे लोग यहाँ से लेके आते गाड़ी वाड़ी, और उतने में ही जब मैं इस बंदे को फिनिश करता हूँ भाई, पीछे की साइड से एक बंदा अपने ऊपर यहाँ पे क्लोज इन कर देता है। अब इस भाई को जब फिनिश किया ना दोस्तों, मैंने काफ़ी ज़्यादा, मेरे को मोबाइल जो है मेरा रोटेशन देना पड़ा था, काफ़ी ज़्यादा घूम गया था मैं दोस्तों। तो इस भाई को तो जैसे तैसे करके अपन फिनिश कर देते। मेरे पास में यहाँ पे वेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं था। अब जैसे ही भाई की यहाँ पे पेटी लूटते तो आगे की साइड से मुझे भाई फायर का साउंड वगैरह आता है, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर बंदे वगैरह ढूंढने के लिए। और जैसे इस साइड में आता हूँ तो मेरे को ऊपर की साइड से दोस्तों यहाँ पे फुटस्टेप आता है, और मेरे को लगता नहीं था इतना कि भाई यहाँ पे ऊपर की साइड में भी काफ़ी ज़्यादा बंदे उतरते हैं। अब दोस्तों पहला नेट तो अपना भाई इतना कुछ खास गया नहीं था, लेकिन दूसरा नेट जब गया तो बंदे की यहाँ पे हक्की बिक्की टाइट हो गई। अब यहाँ पे तो भाई को फिनिश कर देते अपन इजीली। अब इस भाई को फिनिश करने के बाद में यहाँ से एक बग्घी की रोटेशन निकलती, तो इस बग्घी वाले बंदे को तो मैंने भाई काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया था, लेकिन भाई वो बंदा यहाँ से निकल जाता है। अब दोस्तों दिवाली के बम पटाखे मेरे यहाँ पर अभी तक फट रहे हैं, तो जैसे कि आप लोग सुन सकते हो भाई धम्मी धम करके भाई पटाखों की आवाज़ आ रही है, और मेरे को वॉइस ओवर करने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी स्टार्टिंग में, क्योंकि भाई मेरे यहाँ पे भाई काफ़ी ज़्यादा रस्सी बम फूट रहे थे, वो भी कुछ 5 बजे की समथिंग। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग समझ रहे होंगे भाई मैं यहाँ पे नूब तरीके से मर गया, तो हाँ मैं भी ये चीज़ मानता हूँ कि भाई मैं नूब तरीके से मर गया। लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पे भाई फायर दिया था, लेकिन फायर का बटन दबा ही नहीं बिल्कुल भी। अगर फायर का बटन दब जाता तो मैं उस बंदे को दोस्तों ईजिली फिनिश कर सकता था, लेकिन भाई क्या पता क्या ही ग्लिच हुआ अपने साथ में, वहाँ पर फायर का बटन बिल्कुल भी नहीं दबा, तो वहाँ से भाई अपन तो पिट जाते। अब वहाँ पर पिट पिटाने के बाद मैं अपन उतर जाते हैं इस लोकेशन पर, और जब मैं यहाँ पर लूट रहा था तो मुझे लगता है कोई ना कोई बंदा यहाँ पे लूट के गया है, तो मैं आ जाता हूँ इस शेख के तरफ। और जब जैसे ही यहाँ पे स्विच मार दूंगा उतने में वही बंदा यहाँ पे आ जाता है। अब ये भाई भी मेरे को भाई काली दे रहा होगा कि भाई मतलब दोस्तों यहाँ पे कैंप करके अपन ने भाई को फिनिश कर दिया। लेकिन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पे जैसे ही भाई गन स्विच मार रहा था उतने में ही बंदे का मेरे को साउंड आ गया, तो यहाँ पे भाई को फिनिश करना पड़ा। तो भाई अगर आप वीडियो देख रहे होगे तो दोस्तों मेरे मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। तो इस भाई को तो अपन फिनिश कर देते दोस्तों। अब इस भाई को फिनिश करने के बाद में थर्ड सर्कल का जोन भी अपने साइड में ही बन जाता है, तो यहाँ पे मेरे को ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है क्योंकि थर्ड सर्कल का जोन भी अपने ऊपर ही था। लेकिन थोड़े ही टाइम बाद यहाँ पे भाई नेक्स्ट सर्कल भी शिफ्ट हो जाता है अपने से। अब मेरे को आगे की साइड में जो यहाँ पे मेरे को घर वगैरह छोटे छोटे दिख रहे, तो उस साइड में मेरे को गाड़ी डालनी थी, तो मैं यहाँ पे जोन मतलब क्लोज इन करके देखता हूँ। अब जैसे मेरे को सामने की तरफ घर दिखता है, और वो जोन में भी था, लेकिन उतने में ही सामने की साइड से मेरे ऊपर स्प्रे आता है।
अब भाई ने तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया था मेरे को डैमेज देने के लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ इतना कुछ खास उखड़ा नहीं। तो यहाँ पे तो अपन आ जाते हैं इजी सेफली। अब इस लोकेशन पे जैसे ही आता हूँ मैं, तो यहाँ पे सबसे पहले तो उस बंदे को ही देखता हूँ मैं, लेकिन वो बंदा मेरे को यहाँ पे बिल्कुल भी स्पॉट वगैरह नहीं होता है। बंदा था यहाँ से रीच के पीछे और थोड़े टाइम बाद ही यहाँ से नेक्स्ट सर्कल शिफ्ट हो जाता है। अब जोन ने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया था दोस्तों अपना। अब यहाँ से मेरे को निकलने दे नेक्स्ट रोटेशन देने के लिए। तो देखो यहाँ पे किस तरीके से जो है रोटेशन देते हैं दोस्तों अपन। अब उसी बंदे ने मेरे ऊपर यहाँ पे एक और बार स्प्रे लिया था, लेकिन भाई अब की बार तो मेरा दोस्तों दिमाग ख़राब हो चुका था, क्योंकि वो बंदा मेरे को यहाँ पे बिल्कुल भी स्पॉट वगैरह नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। लेकिन अब की बार तो मैं ये समझ चुका था कि उस बंदे को मुझे मारना ही है। तो मैं आ जाता हूँ सीधा घर के बाहर में यहाँ पे, और जैसे यहाँ से जोन क्लोजिंग होता है और वो बंदे की जैसी रोटेशन आती है, तो देखना अभी यहाँ पे अपन क्या करने वाले उस बंदे के साथ। अब जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा, एक हेड एक बॉडी कनेक्ट हो गया बंदे को, तो बंदा काफ़ी ज़्यादा लो होगा, बंदे को यहाँ पे हीलिंग करनी होगी। तो बंदा रुक जाता है पीछे की साइड में, और जैसे यहाँ पे हीलिंग करके क्लोज इन करता है अपने इधर, तो मैं भी आ जाता हूँ उस बंदे को यहाँ पे देखने के लिए। और जैसे मेरे को साउंड आता है भाई गाड़ी का बंदा क्लोज इन कर चुका है, तो देखो अभी यहाँ पे क्या करते हैं अपन बंदे के साथ। अब बंदे ने तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छा सोचा था यहाँ पे कि गाड़ी का कवर बना लेता हूँ गाड़ी फोड़ के, लेकिन दोस्त मेरे आप कैसे मेरे नेट से यहाँ पे बच सकते हो, क्योंकि आपने मेरे को इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब किया रोटेशन देने के टाइम पे, तो आपका फूटना तो जायज़ ही था। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लोज इन करने के लिए देखता हूँ, सामने की साइड मुझे दिखते हैं यहाँ पे टीम अप वाले बंदे, और देखो ये बंदे मतलब भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेल रहे थे, वो भी टीम अप करके, जैसे कि डुओ खेल रहे हो। तो दोस्त आप लोगों को डुओ की तरफ जाना चाहिए, ना कि सोलो की तरफ, क्योंकि आप लोगों को भाई इसी तरीके से टीम अप वगैरह करके भाई दूसरे रन का गेम ख़राब करना अच्छा लगता है। तो दोस्त मेरे आप क्यों ही खेल रहे हो, आप बंद कर दो ये चीज़ खेलना। अब जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे भाई डैमेज करके आ जाता हूँ, और जैसे यहाँ से बाहर निकलता हूँ, तो वो बंदा देखना टीम अप वाला कहाँ पे लौटा होगा। अब भाई आपको कैसा लगा ये बात मेरे को जरूर से बताना, अब की बार और करोगे या टीम अप। अब टीम अप वाले बंदे को तो यहाँ पे अपन फिनिश कर देते, और इसके दूसरे टीममेट को कोई और बंदा फिनिश कर देता दोस्तों। अब मेरे को यहाँ पे जोन में निकलना था, और मेरे राइट साइड वाला बग्गी वाला जो था वो भी यहाँ से जोन में निकल जाता है। अब जैसे वो बंदा यहाँ से बग्गी लेके निकलता है, मैं यहाँ पे सबसे पहले तो कवर बना लेता हूँ अपना। अब यहाँ पे टॉप थ्री के पोजीशन में आ चुके थे अपन, और सामने बंदा भी स्पॉट हो जाता है। अब मुझे लगा दोस्तों वो वाला बंदा राइट मार के भाई पूरा निकल जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था वो बंदा अपने ऊपर गाड़ी चढ़ा देगा। तो यहाँ पे अपन टॉप टू तो आ ही चुके थे। अब इस गेम में अपने को 25 का प्लस मिला था दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा गेम प्ले पसंद आया हो। तो चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं दोस्तों कल की बेहतरीन वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम मेरे प्यारे भाइयों।